तो हेलो और सब गाइज, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं मिस्टर डीएस एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ गुड़ कैसे बनता है। आप लोग तो घर पे खाए ही होंगे गुड़, और मतलब हम आरी लैंग्वेज उसको भेली बोलते हैं, और गुड़ तो मैं दिखा दूंगा गुड़ किसे बोलते हैं। आप लोग वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा और मैं दिखा देने वाला हूँ कि गुड़ किसे बोलते हैं एंड जो आप लोग खाते हो उससे तो हम लोग भेली बोलते हैं। एंड आज की वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, मैं गांव में दिखाने वाला हूँ मैं गुड़ कैसे बनाता हूँ। एंड जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, पहले ऐसे हम मतलब यहाँ पर गन्ने को पहले डाला जाता है, फिर उसके बाद उधर से उसकी खोइया निकलती है, फिर उसके बाद डाला जाता है। वहाँ पर बगल में मेरी मम्मी बैठी हैं और यहाँ पर एक अंकल बैठे हुए हैं, थोड़ी मेरी मम्मी की मदद कर रहे हैं। जैसा कि गाइस आप लोग देख सकते हैं कि कोल्हू के अंदर गन्ना जाते ही उधर से खोइया निकल रही है, मतलब हम लोग उसे खोइया कहते हैं, और हमारे इधर गन्ने को ऊख भी कहा जा सकता है। तो मैं कभी कभी बीच में ऊख बोल दूँ तो उसको आप लोग समझ जाइएगा कि मैं गन्ने से ही मेरा मतलब है। तो जैसा कुछ कोल्हू का पट्टा चढ़ाते चढ़ाते मेरे हाथ में जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर हल्का सा चोट लग गई थी, मतलब आप लोगों को ये सब नहीं दिखाना है। तो गाइस जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि रस आ चुका है, मतलब वो पूरा हौदा भर चुका है, मतलब वो छोटा सा हौदी है वो भर चुकी है। तो अभी रस पीसा ही जा रहा है, मतलब रस निकल ही रहा है हल्का हल्का, और यहाँ पर मैं जाता हूँ हौदी में से निकाल लेता हूँ इसको, मतलब रस को निकाल लेता हूँ, फिर उसके बाद जाते हैं हम लोग इसको लेकर जाते हैं। गाँव में ऐसा होता है, बहुत लोग ऐसे ऐसे करके बाल्टी बाल्टी भर दे देते हैं। भाई ये आप लोग गंदा समझ रहे होंगे लेकिन वो गंदा नहीं है, साफ़ है पूरा अच्छी तरीके से, मेरी मम्मी ने साफ़ किया था। और यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर जा रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पर इसमें डालूंगा तो ये छन के अच्छी तरीके से उसमें चला जाएगा। जब छन जाएगा तो अच्छे से मतलब हम लोग उसकी भेली बना सकते हैं, यानी गुड़ बना सकते हैं और उसको खा भी सकते हैं आराम से। और गाइस जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मतलब कि रस मैंने पूरा रख दिया हुआ है, अब रस को गर्म किया जा रहा है। रस जैसे ही गर्म हो जाएगा मतलब पूरा उबाल आ जाएगा इसमें, तो धीरे धीरे अपना कलर बदलने लगेगा, और धीरे धीरे कलर बदलेगा। मैं क्लिप बाय क्लिप आप लोगों को दिखाऊँगा कलर बाय कलर कैसे बदलता है। और अभी ये उबाल आने लगा इसमें, इसमें भाप भी उठने लगी है, और यहाँ पर अभी मैं नेक्स्ट क्लिप में आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये कैसे हो रहा है। और जैसा कि गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोग ये धीरे धीरे अपना कलर चेंज करने लगा है, और नेक्स्ट क्लिप में दिखाता हूँ आप लोगों को ये और अपना कलर कैसे चेंज कर रहा है। तो गाइस यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं औसम तरीके से दिख रहा है यहाँ पर, और नेक्स्ट क्लिप में देखिए। तो गाइस यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये अच्छी तरीके से अपना कलर चेंज कर चुका है, और धीरे धीरे हमें इसे डुलाना है। और मतलब कि बहुत बार ऐसा होता है कि बीच बीच में हमें इसमें का कचड़ा निकालना रहता है, लेकिन वो क्लिप मैंने दिखाया नहीं क्योंकि मैं चला गया था घर, वहाँ पर थोड़ा खाना ना खाने लगा था, तो कचड़ा वचड़ा मेरी मम्मी ने निकाल दिया था, तो इसलिए मैं कचड़ा निकालते हुए दिखाया नहीं, क्योंकि उसमें कचड़े भी आते हैं तो उस कचड़ों को भी साफ़ करना रहता है, मतलब काई मतलब अलग से ये जो जब गन्ना पकने लगता है तो हल्का हल्का उसमें आने लगता है। तो यहाँ पर जैसा कि इसको मेरे को डुलाना पड़ रहा है, मैं एक हाथ से डुला रहा हूँ और उसके बाद एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ। और यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं भाई मैं हूँ यहाँ पर, एंड इससे मैं बताऊँगा कि बीच में बताऊँगा कि गुड़ किसे कहा जाता है, मतलब अभी गुड़ आने वाला है। मतलब भेली तो हम लोग बोलते ही हैं, एक तरीके का गुड़ होता है उससे भी हम खाते हैं, मतलब वो जो आप लोग खाते हैं वो गुड़ को गुड़ नहीं बोला जाता है, उससे तो भेली बोलते हैं हम लोग अपने लैंग्वेज में। और गुड़ मैं बताता हूँ अपने लैंग्वेज में हम लोग गुड़ किसे कहते हैं। और अभी यहाँ पर मतलब मुझे इसे डुलाना पड़ रहा है भाई, एक हाथ से डुलाने में बड़ी मुसीबत लग रही है मेरे को। और यहाँ पर पहले भाई इसे डुला लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि गुड़ किसे कहा जाता है, मतलब रियल वाला गुड़ किसे हम लोग कहते हैं अपने गाँव के लैंग्वेज में। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ और गुड़ किसे कहते हैं, और फिर उसके बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट क्लिप में। और गाइस जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि धीरे धीरे गुड़ भी आने लगा है हमारा, तो मतलब वो वाला गुड़ नहीं, मतलब वो जो रस वाला गुड़ होता है वो आने लगा है, और खाने वाला गुड़ तो बाद में आएगा, मतलब वो उसे भी खाया जाता है, उसे हम भेली बोलते हैं। कितनी नहीं आप लोगों को समझाऊँ, लेकिन आप लोग अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, मतलब बीच बीच में क्लिप कट करके देख रहे हैं, तो मैं फिर से बता देता हूँ कि हम लोग इससे गुड़ बोलते हैं, मतलब धीरे धीरे आ रहा है, तो मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ नेक्स्ट। तो गाइस रियल गुड़ इसे बोलते हैं, मतलब असली वाला गुड़ हमारे गांव के लैंग्वेज में असली वाला गुड़ हम इसे कहते हैं, जो यार यहां पर आप लोग देख सकते हैं। और यहां पर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसे ही यहां देखा, जैसा कि आप लोगों ने इसे देखा, इसे ही हम लोग गुड़ कहते हैं। और मतलब इसके बाद मतलब हमें गुड़ नहीं चाहिए, हमें भेली चाहिए भाई, मतलब जो आप लोग अपनी लैंग्वेज में गुड़ बोलते हो वो वाला गुड़ हमें चाहिए। और चलिए हम लोग उससे निकालने की प्रैक्टिस मतलब कोशिश करते हैं, प्रैक्टिस क्या भाई, मतलब मुंह से निकल गया, चलिए उसको कोशिश करते हैं। पहले इसे हमें बार बार डुलाना पड़ेगा, गर्म होगा फिर उसके बाद उसको डुलाना पड़ेगा। और यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसी से हमें इन्हीं दो चीज़ों से इसे ठंडा गर्म हर चीज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पर उसका काम ख़त्म भी नहीं हुआ, यहाँ से वहाँ भाई चालू ही चालू है।
और भैया हमारी भेली आने लगी है धीरे धीरे, और हमारी मम्मी जी डुला रही हैं उसे। धीरे धीरे मोटा हो चुका है, जब जैसे जैसे मोटा होता जाएगा उसके बाद ये भेली में तब्दील होता चला जाएगा। मतलब मैं अपनी लैंग्वेज में भेली बोल रहा हूँ, आप लोगों को बताया भी है, उसे गुड़ बोला जाता है आप लोगों की लैंग्वेज में। तो धीरे धीरे बदलता जाएगा, और उसके बाद ये जैसे जैसे ठंडा होगा, जैसे कि यहाँ पर इसे ही गुड़ बोला जाता है, मतलब अभी ये धीरे धीरे भेली बनेगा। अभी ये तो गुड़ है, फिर बाद में भेली बनेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं दिखा देना चाहता हूँ आप लोगों को, नेक्स्ट वाली क्लिप में आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ ये भाई यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसे ही हम लोग भेली कर रहे हैं। धीरे धीरे भेली आने लगी है और ये थोड़ा थोड़ा टाइट हो रहा है। और यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर धीरे धीरे भेली बनने लगी है, और ये जैसे जैसे इसको मतलब अब ये तो उतार दिया गया है, मतलब वहाँ से भट्टी से उतार दिया गया है। अब जैसे जैसे इसको मतलब डुलाएंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे ये भेली में तब्दील होता जाएगा। और गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये जैसे हमने इससे ज़्यादा मतलब उससे आगे पीछे किया, उसके बाद ये धीरे धीरे भेली आने लगी है। और ऐसे ऐसे मतलब हम गुड़ बना सकते हैं अपने घर पे इजीली, और हम लोग गांव में ऐसे अपने घर पे ही भेली बनाते हैं, यानी कि आप लोगों की लैंग्वेज में गुड़ बनाते हैं। और ऐसे हम लोग आना आराम से रख लेते हैं, मतलब किसी भी चीज़ में रख लेते हैं, अपना हमेशा खाते पीते रहते हैं गुड़ भेली। स्कूल में भी बच्चे लेकर जाते हैं गुड़ भेली, अपना खाते पीते रहते हैं स्कूल में भी। और यहाँ पर मेरी मम्मी खुरपी लेके उसको निकाल रही है, मतलब ये थोड़ा गाइज स्टिकी हो चुका है, तो इसलिए ज़्यादा इसमें मतलब आप लोग जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ऐसा दिख रहा है, नहीं तो ये अलग तरीके से दिखता है। और मतलब पहले प्लान था हमारा गुड़ बनाने का, लेकिन मैंने कहा नहीं मम्मी भेली बना देते हम लोग, इसलिए ऐसा हो चुका है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर भेली भी आ चुकी है हमारी, और यहाँ पर हमारी भेली बन चुकी है रेडी, बन के हो चुकी है रेडी। और भाई जैसे हम लोग इसे बांध देंगे तो हमें इसे घर ले जा सकते हैं, हम इसे घर ले जा सकते हैं, तो उसको आराम से हम खा भी सकते हैं, बहुत मीठा मीठा है। एंड इसमें अगर आप चाहें तो मूँगफली वगैरह भी डाल सकते हैं, तो मूँगफली वगैरह डाल के आप लोग खा भी सकते हैं, लेकिन मैंने मूँगफली वगैरह मिला नहीं हमें, इसलिए मैंने मूँगफली वगैरह नहीं डलवाया, और यहाँ पर आराम से खा सकते हैं। तो ये मेरा बन रहा था, इसलिए भाई मैं वीडियो बना रहा हूँ, नहीं दूसरे का बनता तो मैं वीडियो नहीं बनाता। मैंने मम्मी से बता दिया था, मेरी मम्मी गुड़ बना रही थी, लेकिन मैंने अपनी मम्मी से बोल दिया कि छोड़ो जाने दो, भेली बना देते हैं और उसके साथ साथ मेरा वीडियो भी बन जाएगा। एंड उन्होंने कहा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर उसके बाद मैंने ऐसे कहा, फिर उसके बाद भेली बन चुकी है हमारी। और यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं भाई वो डुला रहे हैं, मतलब वो उससे लेके आगे पीछे कर रहे हैं, तो मैंने अपने पैर से रोका हुआ है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो में आया होगा मजा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मेरा 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाला है, तो जल्दी से पूरा करवा दो, और अपने दोस्तों में शेयर करके बता दो गाँव में भेली कैसे बनती है, यानी गुड़।